चुनाव में मुद्दा क्या है सर? मुद्दा सच्चाई का है जी। छिंदवाड़ा के भविष्य की बात है सर। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में अभी सबसे बड़ा दंगल में कमलनाथ ने सीधे तौर पर कहा कि मुद्दा सच्चाई का है, मुद्दा छिंदवाड़ा के भविष्य का है। सर आप सर अपनी आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए छिंदवाड़ा की जनता तय करेगी किसकी जीत होगी किसका हार होगा। छिंदवाड़ा की जनता तय करेगी किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, लेकिन इस बार बीजेपी ने मेहनत ज्यादा चुनौती दी। ये 4 जून को आपको पता लग जाएगा। मुद्दा क्या रहा? मुद्दा साफ है, बेरोजगारी, महंगाई। मैं सौभाग्यशाली हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे विदिशा की जनता की सेवा करने का फिर एक बार अवसर दिया है। विदिशा संसदीय क्षेत्र मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। यहीं मेरा जन्म हुआ, यहीं से बचपन से ही मैंने संघर्ष प्रारंभ किया जनता की सेवा के लिए, और फिर सांसद और मुख्यमंत्री बनने पर विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, और इसी जनता की सेवा का एक बार फिर सौभाग्य मिला है। मैं ये सोच के भी आनंदित हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण होना है। विकसित भारत यानी दुनिया को दिशा देने वाला भारत भी और विश्व गुरु भारत भी। ऐसे भारत के योगदान में सांसद के रूप में मुझे भी गिलहरी की तरह अपने योगदान का अवसर मिलेगा। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ अपने प्राणों से प्यारी जनता की सेवा, क्षेत्र का विकास और अपने देश के लिए काम करने का प्रयास करूंगा।